हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम यूज ऑफ व्हाइल व्हाइल का प्रयोग देखेंगे। फ्रेंड्स, यह काफ़ी महत्वपूर्ण यूज है क्योंकि स्टोरी बनाने में ऐसे सेंटेंसेज आपको देखने को मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम लोग व्हाइल का प्रयोग करते हैं तो कैसे करते हैं, जब आपकी क्रिया रिपीट हो तो ऐसी कंडीशन में हम व्हाइल का प्रयोग करते हैं और उसके साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। जैसे क्रिया रिपीट होती है फ्रेंड्स, यहाँ मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, पढ़ते। अब मैंने आपको फ्रेंड्स वर्ब पहचानना बताया है जिसमें आपको ना लगा दें, जैसे पढ़ना तो आपका वर्ब है ना, तो यह दो बार रिपीट हुई है पढ़ते। तो ऐसे कंडीशन में आपको व्हाइल लिखना है और पढ़ने का इंग्लिश होता है रीड, उसी में आपको ing ऐड कर देना है रीडिंग। अब ये ना सोचें कि आप व्हाइल रीडिंग कर दें तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, आपको एक ही बार लिखना है। तो सेंटेंस होगा आपका व्हाइल रीडिंग, जैसे खेलते। तो फ्रेंड्स, यह भी देखें, दो बार रिपीट हुई है, जैसे खेलना आपका वर्ब होता है तो आपको लिख देना है व्हाइल प्लेइंग। तो इस प्रकार से आप बनाएंगे फ्रेंड्स। जैसे किताब पढ़ते पढ़ते तो आप लिख देते फ्रेंड्स व्हाइल रीडिंग द बुक, और मैच खेलते खेलते तो व्हाइल प्लेइंग द मैच। इस प्रकार से आपके सेंटेंसेज का निर्माण हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको कुछ बड़े सेंटेंसेज बताता हूँ, जैसे चवन्नी घिसते घिसते घिस गई, लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया, या फिर एक एग्जाम्पल है जो कई बार पूछते हैं लोग, जैसे सर्प सरकते 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 सरपत में सरक गया सरक गया। तो फ्रेंड्स, इसमें देखें सर्प सरकते सरकते सरपत में सरक गया, सेंटेंस पास्ट टेंस ऑफ लटका है उसे लेकर प्रॉब्लम में ना रहे। तो सरकते सरकते यह फ्रेंड्स आपका वर्ब रिपीट हुआ है तो हमें व्हाइल का प्रयोग करना है। आप चाहें तो शुरुआत में लिख दें व्हाइल क्रीपिंग, इतना लिख दें, और कॉमा देने के बाद आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसे और आसान बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इतना ट्रांसलेट कर लें, सर्प सरपत में सरक गया, यानी जो सर्प है वह सरपत में सरक गया। तो इसे आप पीछे भी बना सकते हैं, तो आपको लिखना होगा द स्नेक सरक गया। तो फ्रेंड्स, आप बायो के अगर स्टूडेंट होंगे तो आप जानते हैं क्रीप माने सरकना या रेंगना, तो उसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा आपका क्रैप्ट, CREPT क्रैप्ट। अब फ्रेंड्स, क्रैप्ट अभी लिख सकते हैं क्योंकि सरक कर दूर गया होगा, या क्रैप्ट से भी काम लिख सकते हैं, अगर मैं लिख देता हूँ क्रैप्ट अभी दूर गया होगा। तो अब मैं गति में किसी चीज के में जाते हैं तो हम फ्रेंड्स वहां इंटू का प्रयोग करते हैं, तो इंटू और सरपत की होती है द विलो, या फिर रीड भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, रीड, REED, रीड माने भी सरपत या नरकंट या सरकंडा होता है। अब सरकते सरकते आप यही लिख देंगे व्हाइल सरकते सरकते, तो क्रीप आपका फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, तो क्रीप में ही आपको ing ऐड कर देना है क्रीपिंग। कितना सिंपल था, आप आसानी से बना सकते हैं, द स्नेक क्रैप्ट अवे इनटू द विलो व्हाइल क्रीपिंग, या फिर ऐसे लिख सकते हैं व्हाइल क्रीपिंग, लेकिन उसके बाद आपको कॉमा देने के बाद यहां से पूरा सेंटेंस लिख देना है, द स्नेक क्रैप्ट अवे इनटू द विलो। जैसे फ्रेंड्स, एक और सेंटेंस जैसे कि अक्सर लोग पूछते हैं, लोटा लुढ़कते 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 लुढ़क गया, लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया। तो फ्रेंड्स, इसमें भी देखें आपकी वर्ब का रिपीटेशन हुआ है, लुढ़कना जो आपका वर्ब है दो बार दिया गया है। लोटा आप लिख सकते हैं द पोट या फिर द बाउल। लुढ़क गया, लुढ़कने का होता है फ्रेंड्स आपका रोल, इसी में आपको ईडी ऐड कर देना है रोल्ड, और नीचे लुढ़कते हैं तो उसके लिए डाउन का यूज करते हैं, और ऊपर जाते तो आप, तो द पोट रोल्ड डाउन। अब लुढ़कते लुढ़कते अब यहां यूज कर देंगे फ्रेंड्स आप व्हाइल रोलिंग डाउन। तो आसानी से आप बना सकते हैं, इससे आप पीछे रखें या फिर आगे ही बना सकते थे, व्हाइल रोलिंग डाउन कॉमा देने के बाद द पोइट रोल्ड डाउन, या फिर द पोइट रोल डाउन व्हाइल रोलिंग डाउन, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, और भी एग्जांपल लेते हैं,
और अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए, जैसे चवन्नी, विस्ते, विस्ते, घिस गई, चवन्नी, घिसते, घिसते, घिस गई। तो आप वर्ब रिपीटेशन पर ज्यादा ध्यान दें फ्रेंड्स। टेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में ही बन रहा है, तो चवन्नी, चवन्नी के लिए आप चाहें तो द पेनी, द पेनी का यूज कर सकते हैं। अगर आप पेनी ना लिखें, पेनी नहीं लिखना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो द कॉइन ऑफ 25 पैसा, द कॉइन ऑफ 25 पैसा। अब घिस गई, घिसने का होता है आप जानते हैं स्क्रैच, आप लोग पढ़े होंगे स्क्रैच्ड, तो उसमें हो जाएगा एस सी आर ए टी सी एच, टी रहेगा यहाँ, मैं पूरा लिख देता हूँ एस सी आर ए टी सी एच ई डी, स्क्रैच्ड, स्क्रैच, स्क्रैच कहते ना स्क्रैच कर दिया, तो वो स्क्रैच करना ही होता है घिसना, तो द पेनी स्क्रैच्ड व्हाइल स्क्रैचिंग, वाइल स्क्रैचिंग, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। जैसे और भी एग्जांपल है फ्रेंड्स, इसे आपको कमेंट बॉक्स में सेंड करना है कि वह पत्र लिखते लिखते सो गया, वह लिखते लिखते सो गया, इसे आपको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में सेंड करना है फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आया हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।